राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोए। जे सिमरत संकट मिटै दर्श सुहारो होए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा दूजी कही विचारना उपजो तत विचार एकांत हवै सोधन लगियो कहों को संसार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सात संगत संत महात्मा गुरुजन उस्ताद जन अते विद्यार्थी गण आप सारे ही सलाहन योग हो क्योंकि वड्डा सूरमा वो होंदा जिहड़ा वक्त है उपर लड़ मुए जो समा हों विषय विकार लड़ता है उन्होंने सूरमा कहते जाको हर हर जस इन रब का जस जाको हर रंग लागो जुग मैं सो कहीत है सूरा रब का रंग लगता है उन्होंने सूरमा कहते। आप संगतान गुरमुखा रब का रंग लग रहा है आप सूरमे हो पाई तो आओ जिमें बाहरी तौर पर सूरमा योधा दुश्मना लड़ता है इस तरह अंदरूनी तौर पर जोड़े गुरमुख हैं वो लड़ते हैं विषय विकारा नाल मन नाल युद्ध करते हैं। आओ मन का युद्ध ज्ञान दियाँ सत भूमिका राही बयान कर रहे हैं। पहली भूमिका आप जी ने श्रवण कर ली सी की है शुभ इच्छा चंगी इच्छा जागृत होनी ये पहली भूमिका है। आओ इस तो अगे सो विचारना तन मानसा सतवापत आदि जी भूमिका हैं आओ श्रवण करिए जी। दोहरा दूजी कही विचारना उपजो तत विचार। दूजी ज्ञान की भूमिका देखो ये ज्ञान की है असि समझते हैं भी ज्ञान है कुछ जान लेना मैं इस पता लग गया भी ये बारे ज्ञान हो गया आत्म बारे ज्ञान हो गया भी आत्मा की है भी अंदर बैठी जोत रूप है पर की चीज़ है उस तक पहुँचना है ज्ञान तो वह है उस तक पहुँच पहुँच मार्ग ज्ञान है उस विच लीन होना ज्ञान है। ऐसी अवस्था जागृत होनी पह काहू को देत नह पह माम पह नहीं डरता ना मनता पह काहू को देत नह नह पह मारत आन ना डरता है ना डरावंदा है वो है कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। ये ज्ञान की अवस्था है उन्होंने कहते ज्ञानी। दूजी कही विचारना दूजी है विचार करना उपजो तत् विचार जो विचारना तत् विचार पैदा होंगे बुरे ख्याल तो मन हट गया शुभ इच्छा विच चंगी इच्छा जागी ना बुरे ख्याल तो मन टुट गया ते जड़े तत् विचार वो पैदा होन लगे। एकांत हवै सोधन लगियो कहों को संसार। ते हुण विचार की करना चिंतन करना एकांत च बैठ के सोधन करना चिंतन करना विचार करना अपने मन नू सोधना को हं मैं कौ की हाँ को संसार संसार की ये विचार अज तक कोई आम दुनिया बारे सोचते होवे चिंतावां बारे सोचते होवे चिंतन ही है कि मैं कौन हाँ तो संसार की है। संसार शंकिया का घर है संस्या का घर है संसा यो संसार है जन्म मरण में दुख सबाया ये संसार की है इस बारे बार विचार करनी माया रूप है छल रूप है मैं कौन हाँ हूँ मैं तो होमै है मैं ये भी नहीं होमै भी नहीं मैं शरीर भी नहीं मन भी नहीं ज्ञान इंद्रिया भी नहीं कर्म इंद्रिया भी नहीं बुद्धि भी नहीं सत चेतन जो आत्म स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है ये चिंतन करना अजय विचार करनी है विचार करके अंदर खुभना पैना है अंदर सिमरन भजन करद हो गुरु पातशाह की बख्शिश नाल जो अंदर पहुँचेगा तो वह समझेगा असल मैं कौन हाँ
अजे विचार ये करनी है, सो विचारना चंगी विचार ये है, सो विचारना चंगी विचार। दूजी कही विचारना, पहला शब्द आया था ना सुबिच्छा, सो विचारना चंगी विचार। विचार बुरी भी होंगी है, बुरे ख्याल भी आते हैं, पर चंगे ख्याल वो हैं जो तो अपने आप बारे चिंतन करना, अपने आप बारे विचार करना, वो है सो विचारना कि कौन हाँ मैं, तो संसार जो माया रूप है ये की है, तो वन वखरा करके जानना कि मैं संसार नहीं, मैं ना तो निर्लेप हाँ, ये वखरा करके जानना है। दोहरा तन मानसा सो तीसरी मन को प्रत्याहार। तीजी है तन मानसा, जो कह लो मन की सूक्ष्मता है, मन की सोच जिहड़ी बड़ी गंभीर है ना, वो गंभीर सोच नू इखना भजना कित्थे जा रहा मन, जिहड़ा मन चंगे पासे जा रहा है उन्हूं जाण दो, बुरे पास जा रहे उन्हूं प्रत्याहार रोको, प्रत्याहार कित्थे रुकना। ये मन किवें देखो अंदर बैठा बैठा मन चिंतन करता ना, जदों मन चिंतन करता सो विचार, विचार विच भी मन दौड़दा है, सो विच्छा सो विचारना, फिर अगे आ गया प्रत्याहार भाव रोकना। तनु मानसा विच इस मन नू बुरे ख्यालों वल रोकना है कि मन बुरे पासे ना जावे, मन खिंडे ना, मन जुड़िया रहे। जिहड़ा मन दूजे पास जावेगा बुरे विकारां वल, उन्हूं बार बार खिंच के इधर लैके आना, ये मन को प्रत्याहार मन नू रोकना है। फिर टिक के टिका बचा के शुद्ध स्वरूप, अपने शुद्ध स्वरूप दी राखै नित रोज़ ही संभाल करनी, कहते रोज़ नित्यनेम करते हैं, रोज़ संगत करने, ये रोज़ ही संभाल करनी है। ये तन मानसा है कि अपने मानस अवस्था नू, मानस नू रोक के रखना, ये मन जड़ा चंगे पासे जुड़िया रवे, बुरे पासे ना जावे, इस तरह इनू टिका के रखना, अपने शुद्ध स्वरूप वल इस मन नू जोड़ के रखना है। दोहरा चतरत सतवा पद यह अनुभव उदय अपंग। चौथी है चतुर्थ सतवा पद, ये अवस्था है ना है, ये केड़ी अनुभव की अवस्था है, यह अनुभव हृदय उपंग अपंग कि जड़े कह लो एक रस ज्ञान पैदा हो जाना, ये चौथी ज्ञान की उपा है। यह अनुभव जड़ा ये ज्ञान है पैदा हो रहा है, अपंग नाश होने वाला जिहड़ा भंग ना हो गए। कई बार ज्ञान आउंदा चला जाता है, पर जिहड़ा एक रस अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान है वो खत्म ना हो गए, क्योंकि आत्म स्वरूप खत्म होने वाला नहीं, उहदा ज्ञान खत्म होने वाला नहीं, तो वो अपंग ज्ञान विच ये मन जुड़िया रवे। आत्म जग दर्स्यो पले ज्यो मद सिंध तुरंग तरंग। उस ज्ञान विच अपने आत्म स्वरूप के दर्शन करने हैं, चिंतन करते हुए आत्म स्वरूप के दर्शन करने, किवें दर्शन करते करते लीन हो जाना, जो मद सिंध तरंग, जिमें समुद्र ते उस तरंगा च कोई फर्क नहीं होंदा, जल ते उपज तरंग ज्यो जल ही विखै समाहे, पानी का स्वरूप है, पर जिहड़ी तरंगा पैदा हुई वह भी तो पैदा हुई हवा करके, कंपन करके, उतार चढ़ा करके, ते जो मन की बिरती माया करके उतार चढ़ाव आती है, तो मन में अनेक तरह की कह लो तिरंगा पैदा होंदिया, विकार विशाल पैदा होंगे, ऐसे विकार जो बड़े विशाल हैं वो पैदा, एक एक विकार बंदे तबाह कर दिया, एक तिरंग आवे तो बंदे डबो दी है खालसा। इस करके जो आत्म जग दरस्यो भले, ये दुनिया ही आत्म स्वरूप है, आव जगत नूं भी इस तरह ही देखना है, जो अंदर है सो बाहर है, जिवें पानी तरंगा हन समुंदर एको ही रूप है ना, इस तरह अपने हिरदे विच भी उही वाहिगुरु देखना, ते बाहर विच भी बाहर वाहिगुरु देखना। अजे ये चौथी भूमिका दर्शाई है, इनू कहिंदे सतवा पद, ये सतवा पद चौथी भूमिका है ज्ञान दी। इस तो अगे होर तीन भूमिका रह गईआं हन, तो उन्हां बारे आप जी कल श्रवण करना कि पातशाह जी बाणी विच भी इन्हां दे महाराज ने अनेक तरह की अवस्था वाला जिक्र किया है, पर उन्हूं सुखैन शब्दों विच
समझाने लिए सानू विद्वाना ने दर्शाया है ज्ञान की सत भूमिका। पहली है शुभ इच्छा, दूजी शुभ विचारना, तीजी तनुमानसा, चौथी सत्वा पत, पंजवीं है असंकत, छेवीं है पदार्था पावन, छत्तवीं है तुरियावस्था। बाकी बारे आप जी समय अनुसार श्रवण करना जी। इतनी बेनतियाँ प्रवान, भुल चुक दिखी मां, फतेह गजाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।